7 नवंबर 2021 दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा गौ क्रांति आंदोलन है और लगभग राजस्थान से 50 लाख गौ भक्त चलेंगे, 50 लाख गौ भक्त चलेंगे राजस्थान से। एक अकेला आदमी है, मेरे भाई है, अहमदाबाद के जैन है, जो अकेले 600 बसें लेके चल रहे हैं अहमदाबाद से। 600 बसें एकलो आदमी ले रही हो गुजरात दिल्ली वास्ते, 600 बसें एकलो आदमी, पूरा खर्चो अकेलो उठा रही हो। बोले नहीं, गाय ने राष्ट्रमाता घोषित करवानी है। कोशिश ही करा तेजाजी महाराज ने, मैं तो अरदास करूं डोगरा थैली खरनाल थारे नारियल छाड़ू भी रेतड़ो और छाड़न जाऊं, लेकिन मैं जिन काम खातर निकल रहा वो काम मारो होड़ा ना फतेह होना चाहिए। तेजाजी ने जो को श्योर लेना पच मेरा काम हरी झंडी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ, ये गौ माता की लिवेरी वाला वीडियो है। आप सभी को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गौ माता की लिवेरी कहाँ से डाउनलोड करनी है, क्या करना है उसके लिए आपको, तो ये लिवरी कैसी लगी आप सभी ने पहले भी बताया बहुत अच्छी लग रही है आप सभी को, इसलिए मैंने इस लिवरी को सार्वजनिक करने का फैसला किया है और मैंने मेरे पिक्सआर्ट आईडी पर इस लिवरी को अपलोड किया है। पिक्सआर्ट आईडी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से कोई भी फ़ोटो कैसे डाउनलोड करते हैं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और हाँ, मैं मेरी पिक्सआर्ट आईडी पर बहुत सारी लिवरियाँ लेकर आऊँगा जो बिना नाम की, जिस पर कोई नाम नहीं होता है, आप अपने मनपसंद का नाम लिख सकते हैं। इसका वीडियो मैं थोड़े दिन बाद बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो फ़िलहाल सिर्फ इस गौ माता की लिवरी के लिए बनाया गया है। मैं फेक वीडियो नहीं बनाता, ये मेरा एक सिद्धांत है। और हाँ, हो सकता है किसी के मोबाइल में कोई फाइल सपोर्ट नहीं कर रही है या किसी के मोबाइल में ये वीडियो काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो वीडियो फेक है। मैं पहले पूरे वीडियो का प्रोसेस करता हूँ, 100% सही होता है तभी वीडियो बनाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं मैं उन सभी को गलत वीडियो बनाकर व्यूज़ ले लूँ, ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं। दोस्तों आप सपोर्ट करते रहिए। और ये है जो सेकंड लिवरी गौ माता की, पहले जो चल रही थी वो अलग है, ये दूसरी लिवरी है। मैंने 3 लिवरी अभी तक गौ माता के लिए बनाई है, गौ माता की बनाई है। आप सभी को तीनों लिवरियाँ फेस अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के मेरे आईडी पर मिलेगा। मेरी आईडी की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से चले जाना। अगर लिंक से आप नहीं जा सकते तो आपको सर्च करना है नाम, वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये 2 नंबर लिवरी और इससे आगे वाली 3 नंबर लिवरी भी बहुत अच्छी बनी हुई है और बहुत सारी बनाते रहूँगा। अभी तक 7 नवंबर बहुत दूर है, तब तक मैं बहुत सारी लिवरियाँ बनाऊँगा और मेरे पिक्सआर्ट आईडी पर डालूँगा। आप सभी प्लीज़ पिक्सआर्ट मेरी आईडी को फॉलो कीजिए। जितने भी मैं लिवरियाँ डाल रहा हूँ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई इस आईडी पर बहुत सारी लिवरियाँ डाली हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करना वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आगे बताऊँगा, आप वीडियो में बने रहिए। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, प्लीज़। थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है आपके भाई के YouTube चैनल को क्रिएटर करने के लिए। और ये जो बस के पीछे स्टिकर लगे हुए हैं ऊपर, ये भी कैसे लगाते हैं, इससे अगला वीडियो मेरा यही होगा। प्लीज़ चैनल को, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप जल्द से जल्द वीडियो देखकर अपने बस को मॉडिफाई कर सकें। और हाँ दोस्तों, ये है तीसरी लिवरी। 2 लिवरियाँ मैंने आपको बता दी, उसका डेमो आपको बता दिया, और ये है तीसरी लिवरी। तीनों लिवरियाँ अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सेम है। ये वाइट कलर की है, लेकिन 2 लिवरियाँ वाइट कलर की है, लेकिन उन पर लिखा हुआ सब कुछ अलग है, फ़ोटो लगे हुए हैं जो अलग है। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, और बहुत सारी लिवरियाँ डाउनलोड करने के लिए मेरे पिक्सआर्ट आईडी को फॉलो कीजिए। जितने भी फ़ोटो डालता हूँ लाइक कीजिए, और कुछ लिवरी चाहिए तो कमेंट कीजिए। और वैसे तो देखा जाए तो मैंने फेसबुक पेज पर बहुत सारी राजस्थानी लिवरियाँ डाली हुई है, लेकिन उन पर नाम लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। मेरे इस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन वाले आईडी पर, पिक्सआर्ट वाली आईडी पर बिना नाम की लिवरी ही डालूँगा ज़्यादातर, और अच्छी एडिट करके डालूँगा। और आप डायरेक्ट वहाँ से पिक्सआर्ट से ही, वहीं से आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ से रिमिक्स पर क्लिक करके आप
अपने मन पसंद का नाम लिख सकते हैं कोई भी लिवेरी पर, और एडिट कर सकते हैं आप जो चाहे लिख सकते हैं, जैसा चाहे आप एडिट कर सकते हैं। और पिक्सार्ट आईडी पर 3 लिवेरियाँ डाली हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये तीनों लिवेरियाँ आपको कैसी लग रही है ये देखिए। चैनल का लोगो ज़रूर लगा हुआ है लेकिन लिवेरियाँ बहुत अच्छी है दोस्तों। लोगो तो हर कोई लगाता है अपना लोगो, तो मैंने भी लगा रखा है। प्लीज़ हटाइए मत इसको, आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। गाय इस लिवेरी के पीछे लिखा हुआ है हिंदू धर्म की रक्षा करो, जागो हिंदू जागो, 7 नवंबर को दिल्ली चलो गौ माता की रक्षा के लिए। ये जो लिवेरी बनाई है बहुत अच्छी एडिट की है मैंने, और बहुत सारी लिवेरियाँ अभी बनाता रहूँगा। प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो अभी क्या करना है आपको, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिक्सार्ट एप्लीकेशन में जो मेरी आईडी है उसका लिंक दे दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर पिक्सार्ट लिंक पर क्लिक करके नहीं जा सकते, आपको पता नहीं है लिंक कहाँ होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो आपको सर्च करने वाले ऑप्शन ऊपर पिक्सार्ट ओपन करने के बाद सर्च करने वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ पर आप सर्च कीजिए राम निवास प्रजापत ऑफिशियल। ऐसा सर्च करते ही मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, और मेरी प्रोफाइल पर बहुत सारी गौ माता की, बहुत सारी तो अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी 3 लिवेरी है लेकिन बनाता रहूँगा एक दो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे बनाता रहूँगा। राम निवास नाम का जो अकाउंट आता है उसको आप ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद बहुत सारे बस के फ़ोटो तो डाले हुए हैं। वैसे सबसे नीचे आप देख रहे हैं 3 लिवेरियाँ डाली हुई है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। कोई भी लिवेरी चुन लीजिए, उसको लाइक कीजिए, सेव कीजिए, कमेंट कीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइए सभी लिवेरियों के नीचे, और सभी लिवेरियों को लाइक भी कीजिए, फ़ोटो को लाइक कीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, कौन सी लिवेरी है वो चुनने के बाद आप रिमिक्स पर क्लिक कीजिए, कोई भी लिवेरी ओपन करके जो आपको लेनी है, ठीक है ना। तीनों में से रिमिक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख लीजिए, अन्यथा साइड में ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके सेव करें, जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करके इस डिलीवरी को अपने मोबाइल में सेव कीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ये फ़ोटो PNG नहीं होती है, ठीक है ना। PNG नहीं होती है तो हमारी बस पर अच्छी तरीके से सेट नहीं होती है। और हाँ दोस्तों, याद रखिए कोई भी लिवेरी हो PNG होनी चाहिए। ये जो फ़ोटो से PNG में ट्रांसलेट करते हैं कोई भी फ़ोटो को, इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास है तो ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद लोड ए फ़ोटो पर क्लिक कीजिए, कोई भी फ़ोटो चुन लीजिए जो लिवेरी आप अपनी बस पर लगाना चाहते हैं, उस लिवेरी को चुन लीजिए और उस लिवेरी को PNG में बदल दीजिए। PNG में बदलने के लिए सेव एज PNG यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है सबसे नीचे, उस पर क्लिक करके फ़ोटो को PNG बना लीजिए। PNG नहीं होगा तो आपका फ़ोटो बस पर सेट नहीं होगा, कांच पर पर्दे नाम नहीं आएंगे कांच पर, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।